किसानों ने ठुकराया कृषि कानून में संशोधनों को लेकर केंद्र का लिखित प्रस्ताव। कहा कृषि कानूनों की वापस से कम कुछ भी मंजूर नहीं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देशभर के लिए पीएम वाईफाई को दी मंजूरी। खुलेंगे 1 करोड़ डेटा सेंटर। कोची से लक्षद्वीप तक 11 द्वीपों में पहुंचाई जाएगी फाइबर कनेक्टिविटी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर का ऐलान। राहुल गांधी और शरद पवार समेत कई विपक्षी नेता कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। किसान आंदोलन को देखते हुए करेंगे हस्तक्षेप की मांग। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कोई भी राज्य कोविड मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर ना लगाए जब तक कि सक्षम अधिकारी का ना हो निर्देश। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला। बोली, गैर कानूनी तरीके से पिछले 15 दिन में आज तीसरी बार उन्हें हिरासत में रखा गया है। भाजपा के मंत्रियों को प्रचार की अनुमति क्यों। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के भारत में जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र वाले बयान पर राहुल गांधी का हमला। बोले, मोदी राज में रिफॉर्म का मतलब हुआ चोरी। 28 साल की मशहूर साउथ एक्ट्रेस और वीजे चित्रा का बुधवार सुबह चेन्नई के एक होटल रूम में मिला शव। देर रात तक की थी शूटिंग, कुछ दिन पहले ही हुई थी सगाई। पुलिस ने बताया आत्महत्या का मामला। और भारत के लिए 38 वनडे 25 टेस्ट और 2 T20 मुकाबले खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। ट्वीट कर दी जानकारी।